कपूर खानदान की बड़ी शादियों में से एक सोनम कपूर की शादी आज मुंबई में हो गई है। सोनम कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ मुंबई के बैंड स्टैंड में आज शादी के बंधन में बंध गई हैं। आज कपूर परिवार के सारे ही करीबी लोग उनकी इस खुशी में उनके साथ खड़े हुए थे। वैसे तो हमने लगभग सभी मेहमानों के बारे में बता दिया है जो सोनम कपूर की शादी में उन्हें बधाई देने आए थे। अगर सच बोलें तो हर वो इंसान जो कपूर परिवार को जानता है वे इस शादी में शिरकत देने पहुंचे थे, लेकिन ऐसे कुछ कपूर हैं जो सोनम कपूर की शादी के तीन दिन एक भी फंक्शन में हमें दिखाई नहीं दिए हैं। रणबीर कपूर, अब तो आपको पता ही चला गया होगा कि आखिर क्यों रणबीर कपूर ने सोनम कपूर की शादी को मिस कर दिया। यह तो हम बता ही सकते हैं कि वे इस समय मुंबई में ही है, फिर भी उन्होंने सोनम की शादी में शिरकत नहीं की। श्रद्धा कपूर सोनम की फैमिली को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती हैं, लेकिन कई बार बॉलीवुड की पार्टियों में सोनम के साथ मस्ती करते हुए देखा गया है। कुछ समय पहले ही दोनों ने सोनम और श्रद्धा ने यह बोला था कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि कपूर, जिस तरह से रणबीर कपूर ने सोनम कपूर की शादी में शिरकत नहीं की, उसी तरह से पापा ऋषि कपूर ने भी सोनम की शादी पर ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं दिया। सोनम की शादी के समय ऋषि कपूर को मुंबई में किसी भी जगह पर नहीं स्पॉट किया गया। हम यही सोच रहे हैं कि उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं किया गया था या वे गए ही नहीं शादी में। एकता कपूर, सोनम कपूर की आने वाली फिल्म वीर डी वेडिंग की को प्रोड्यूसर है एकता कपूर, तब भी वे सोनम के किसी भी शादी के फंक्शन में नहीं दिखीं।